हम इनको आड़े हाथों बड़े अच्छे तरीके से लेते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि थाने में वैसे वकीलों को फेंटी भी बड़ी लगाई है पुलिस वालों ने, ये वकीलों ने भी बड़ी फेंटी लगाई है इनकी, ये जो है ना हाथ जोड़े होते हैं, इनकी वर्दियां फट रही होती हैं, ठीक है, और ये घोटों में हाथ लगा होते हैं। हॉस्पिटल वाला मामला हुआ था, वहां वकीलों को बहुत फेंटी लगाई। अदालत में मैं बताऊं, अदालत में अपना अब्बू मानते हैं ये वकीलों को, अपना अब्बू कहते हैं ये वकीलों को, आप मेरे बाप हैं, थाने में चले जाए उसी वकील को कुत्ते की तरह पड़ते हैं। ये थाने में बदमाश बने बैठे होते हैं, फिर कोर्टों में आके वकीलों से लितर भी खाते हैं और बीगी बिल्ली की तरह ऐसे खड़े होते हैं, जैसे इस जैसा तो अच्छा है ही कोई। अच्छा, आपके पास कोई ऐसा सलूशन है आपके इस पुलिस के सिस्टम को ठीक किया जाए? अब मैंने ना सब्जादार पुलिस स्टेशन पूरे के ऊपर FIR का ऑर्डर करवाया, पूरे थाने के ऊपर, पूरे थाने के ऊपर एक SHO है शाहजेब खान, 3 SI हैं और 8 कांस्टेबल हैं उसमें, कोर्ट में देंगे, लेकिन इनको भी तो बताना पड़ता है ना ये उन्होंने बदमाशी लगाई हुई है, बदमाशी। अगर हम वकील अब जब ये बात करते हैं थाने में जाके, उधर ये हमको पढ़ रहे होते हैं, अदालत में आते हैं ये हमारे गोडों पे हाथ लगाते हैं, ये हमसे माफियां मांग रहे होते हैं, और फिर जब हम इनकी तबीयत साफ करते हैं ये कहते हैं ये वकला गर्दी कर रहे हैं हम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रहमान चौधरी आप लोगों की खिदमत में हाजिर है, और आज हम बात करने वाले हैं नियाज़ी कबीले के दो ऐसे वकीलों से जो पुलिस के खिलाफ बड़ा रिवेंज रखते हैं, हर मामलात में पुलिस के खिलाफ ये फुल टाइम एक्शन में होते हैं, और हम आज इनसे स्पेशली ये पूछ रहे हैं कि पुलिस के खिलाफ इनकी इतनी नफरत क्यों है। ये पुलिस जो सड़कों के ऊपर, घरों में, हर जगह पर हमारी हिफाजत करती है, अदालतों में भी वकला की हिफाजत करती है, इसके बावजूद ये पुलिस को इतना आड़े हाथों क्यों लेते हैं, आइए जानते हैं ये सारा मामला क्या है। सबसे पहले नियाज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके साथ जो पुलिस का एक ज़ाती तौर पर आपकी अदावत है, ये ज़ाती है, वकला की तरफ से है, इसका पस मंज़र क्या है? देखिए जी, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मेरी बात रखने के लिए मुझे मौका दिया, ठीक है। दूसरी बात है कि पुलिस के साथ मेरा ज़ाती कोई मामला नहीं है, ठीक है, ज़ाती मेरी ज़ाती रंजिश किसी के साथ नहीं है, लेकिन जब ये ओवर द लॉ काम करते हैं, ये कानून गैर कानूनी काम करते हैं, तो फिर हमारी रंजिश बन जाती है इनके साथ। वकील कानून की बात करता है, पुलिस जो है ना वो प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं करती, वो अपनी तरफ से अपनी तरफ का अपने पास से कानून बना के पेश कर देती है। सब इसका फैसला आपने करना है? फैसला बिल्कुल जी, हमने लॉ बताना है, हम ऑफिसर ऑफ कोर्ट हैं, हमने अपना लॉ बताना है कि ये कानून में लिखा हुआ है, ये बात लिखी हुई है, ये प्रोसीजर है, आप इस प्रोसीजर के पाबंद हैं इसको चलने के लिए, लेकिन जब आप उस प्रोसीजर से हट के चलेंगे तो फिर हम बताएंगे कि ये आप गलत कर रहे हैं। इस प्रोसीजर को आप जो प्रोड्यूस करेंगे कोर्ट में, और कोर्ट इसके ऊपर फैसला करेगी कि पुलिस इसके ऊपर ठीक काम कर रही है या नहीं। एक इंडिविजुअल, एक इंडिपेंडेंट वकील किस तरीके से ये काम कर सकता है? मिसाल देता हूँ, हम 22AB में FIR का ऑर्डर करवाते हैं, ठीक है, उसमें FIR, ये ऑर्डर कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद FIR नहीं दी जाती, पैसे मांगे जाते हैं। कोर्ट में आना क्यों पड़ता है? मैं बताता हूँ आपको, कोर्ट में FIR फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, ये तो पुलिस का काम है कि उसको आप एप्लीकेशन दें, उसके ऊपर एप्लीकेशन जब दी जाती है तो उस एप्लीकेशन में जो मुखालिफ पार्टी होती है उसमें से ये पैसे ले लेते हैं और FIR दर्ज नहीं करते। इस वजह से हम कोर्ट में आते हैं, 22AB में हम FIR का ऑर्डर लेते हैं, और जब ऑर्डर हो जाता है फिर भी ये FIR दर्ज नहीं करते। ऐसे भी तो हो सकता है कि पुलिस को उस एप्लीकेशन में कोई चीज मिल ना रही हो जिसकी वजह से FIR जी, पुलिस पैसे लेना ही हम क्यों कहते हैं? पुलिस को वो चीज नहीं मिलती तो जज साहब को वो चीज मिल जाती है जिसकी वजह से वो ऑर्डर जारी कर देते हैं, और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं, आए दिन ये कंटेम्प्ट करते हैं कि ये जज के ऑर्डर पे उसको हम पुलिस को कहेंगे कि ये पुलिस असर रसूख वाली है, ये जजिस में पावर नहीं है या इतनी कैपेसिटी नहीं है कि पुलिस इंप्लीमेंट नहीं करवा सके। ना करप्ट हैं वो, हर जगह से पैसे लेते हैं, अपनी तनख्वाहें भी ले रहे हैं, और इन्होंने एक मशीनरी बनाई हुई है कि थानों में आप जाएंगे तो पैसों के बगैर आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, चाहे आप एक एप्लीकेशन लेके चले जाएं, चाहे आप उधर एक बयान देने चले जाएं, आपका पैसों के बगैर उधर कोई बयान भी नहीं होगा। अगर आपको मौका मिले तो आप पुलिस वालों को पैसे नहीं देंगे रिलीफ के लिए? भाई हम क्यों पैसे दें जब आप गलत, आपका जो क्लाइंट है वो गलत होगा तो आपकी कोशिश होगी कि किसी तरीके या तफ्तीशी ना मुकमका कर लो। हमारा क्लाइंट गलत होगा ना तो वो खुद ही करेगा, हम ये काम नहीं करेगा। हम उसी वक्त इन्वॉल्व होंगे जब पुलिस गैर कानूनी काम करेगी। हम सुपुर्दारी करवाते हैं, पुलिस वालों ने क्या करना होता है जी, और वो एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है, ये गाड़ी हमारे पास खड़ी हुई है या नहीं, ये बस डेट इतना करना होता है, बाकी सारा कोर्ट का काम होता है। अच्छा, ये इतना एग्रेशन ज्यादा यंग लॉयर्स में देखते हैं, जो मैच्योर है सीनियर लॉयर्स ना वो ऐसी ये रिपोर्ट करने के ये पैसे दे देते हैं। भाई आपके बाप के थाने हैं, आपके बाप की ये सारी जो है ना ये प्रोसीजर बना हुआ है, ये लॉ आपने अपना खुद का बनाया हुआ है, आप भी उसी लॉ को फॉलो करते हैं, हम भी उसी लॉ को फॉलो करते हैं। मुलाजिम है वो, उनको उनका क्या? अच्छा, सुबह से लेकर रात तक पैसे ले रहे हैं, हर चीज में दो नंबरी कर रहे हैं,
और जो है ना गरीब लोगों को तंग कर रहे हैं, कोई असर रसूख वाला आ जाए तो उसके तो ये पैरों में बैठ जाते हैं। थाने में कोई वकील चले जाए, इनको मिर्चें किस बात की लग जाती हैं? वकील नहीं जा सकता थाने में, एक इदारा है उधर, हर चीज में हर बंदा उधर अप्रोच कर सकता है। आपको वैसे लगता है कि वकीलों का काम थाने में पेश होना है? उन्होंने कोर्ट पाना है, कोर्ट काम करेंगे, जहाँ पे ये गैर कानूनी काम करेंगे हम जाएंगे इनको बताएंगे ये आप गलत काम कर रहे हैं, ठीक है? तो ये बात तो होती है, जवाब हम कोर्ट में नहीं दे सकते, कोर्ट में देंगे लेकिन इनको भी तो बताना पड़ता है ना, ये उन्होंने बदमाशी लगाई हुई है, बदमाशी। अगर हम वकील अब जब ये बात करते हैं थाने में जाके, उधर ये हमको पढ़ रहे होते हैं, अदालत में आते हैं ये हमारे गोडों पे हाथ लगाते हैं, ये हमसे माफिया मांग रहे होते हैं, और फिर जब हम इनकी तबीयत साफ करते हैं ये कहते हैं ये वकला गर्दी कर रहे हैं हमें, ठीक है? तो ये बात है कि पहले अपने आप को सही करें फिर हमारे पास आए, मेरे पास आकर टेबल टॉक करें, बड़े से बड़ा ऑफिसर आ जाए, मैं बताता हूँ कि पुलिस करप्ट है या फिर ये वकला करप्ट है, हमारे साथ बात करें आके। एक एक चीज में, एक एक चीज में ये पैसे लेते हैं। अच्छा, कौन सा ऐसा मेरे पास है? अब मैंने ना सब्जादार पुलिस स्टेशन पूरे के ऊपर एफआईआर का ऑर्डर करवाया, पूरे थाने के ऊपर, पूरे थाने के ऊपर एक एसएचओ है शाहजेब खान, 3 ASI हैं और 8 constable हैं उसमें, ठीक है? पूरे शिबाज अहमद खग्गा साहब ने ऑर्डर किया हुआ है, वो ऑर्डर हमने CCPO जमा करवा दिया हुआ है। आपने कोर्ट से FIR करवा ली है? FIR का ऑर्डर भाई पहले होता है, उसके बाद FIR। ऑर्डर आपने ले लिया? ऑर्डर ले लिया है, वो हमने CCPO साहब को जमा करवा दिया। किस बुनियाद के ऊपर आपने उनके ऊपर FIR के ऑर्डर करवाए हैं? मैं बताता हूँ, वो ना एक बंदे के घर में दाखिल हुए हैं, उसके घर से बंदे को पकड़ के इन्होंने FIR दी है, उसके 3 lakh rupees इन्होंने उठा लिया है, मोबाइल भी उठा लिए हैं, और इन्होंने FIR दे दिया कि हमने गली से इसको पकड़ा है, ठीक है? वो जगह भी 5 kilometers दूर है जाके। इस बुनियाद पर हमने CDR पेश किया, हमने गवाहान पेश किया और हमने ऑर्डर करवा लिया FIR का। अब वो ऑर्डर हमने CCPO जमा करा दिया, CCPO ने अभी तक हमें कोई कॉल नहीं की, उसकी भी हम कंप्लायंस में जाएंगे। देखें ये बात फिर कंप्लायंस में आती है, इनके ये पुलिस एक दूसरे की जो है ना फुल सपोर्ट करती है, मतलब भैनियाँ ने, ठीक है, सपोर्ट करती है। तो मैं आप काफ़ी ज़्यादा मुझे अग्रेसिव लग रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं इसी मौके को आगे बढ़ाते हुए ज़िया खान न्याजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करें कि यासिर खान न्याजी आखिर इतने आग बगोला क्यों हैं, पुलिस ने क्या ऐसा कर दिया है, शहादत भी कंसिडर नहीं कर रहे, करप्ट भी पुलिस वाले हैं, सारे काम ख़राब पुलिस वाले कर रहे हैं, और फिर आज आकर अदालतों की भी हिफाजत पुलिस वाले कर रहे हैं, सड़कों पे भी पुलिस वाले कर रहे हैं। ज़िया खान साहब क्या कहना चाहेंगे? ये कि मेरे बड़े भाई यासिर खान न्याजी साहब इसलिए आग बगोल हैं, मैं शुरू से ही ना पाकिस्तान की पुलिस के ना खिलाफ रहा हूँ। अच्छा, आप भी रहे? पाकिस्तान की पुलिस का जो सिस्टम है ना, जितने लाज हैं, एज ए कोड ऑफ ऑफिसर मैं, ये 1866 का गोरे ने कानून बनाया था, आज इसको 156 साल हो गए, यानी कि हर थाने में जो SHO लगता है वो ऊपर बड़े ऑफिसर को पैसे दे के लगता है, जब वो रिश्वत दे के लगेगा तो नीचे वो रिश्वत ही खाएगा ना। अब आप थानों में चले जाओ, वहाँ कोई रहम नहीं है, हर SHO करप्ट है, नीचे जितने सिपाही तबका, चिपड़ासी तक, जितने थाना, सारा थाना करप्शन से चारों तरफ से वो ऐसे लपेटा होता है, ठीक है? अब जितने SHO हैं इनकी कालें भी चेक कर लो, हम वकीलों के भी कर लो, इनकी 10 कालों में से 9 कालें जो हैं वो करप्शन के उसमें होंगी, लेन देन की, फलां पार्टी जितने ले लो फलां पार्टी। वकीलों के मामले ये हैं कि वकील हमेशा, हम कैद आज़म अली जनाह के रास्ते पे चले हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमने हमेशा से ही कैद आज़म अली जनाह का रास्ता इख्तियार किया हक और सच का, और ये वकीलों के इसलिए अगेंस्ट हैं क्योंकि वकील हक और सच के साथ खड़े हैं। ये जितने थाने में SP DSP SHO ये सारे करप्ट हैं, इनमें से कोई भी नहीं सही। आपको कुछ 100 में से 2-3% एक हमारे मियाँ वाली के यहाँ सब इंस्पेक्टर थे फैसल खान साहब, वो बहुत ईमानदार ऑफिसर थे, अब आपके एरिए के थे, इस वजह से एरिए के बाद नहीं, क्योंकि हमने उसको डीलिंग उसके साथ बैठे हैं तो हमने उसे ईमानदार ही पाया, ठीक है ना? नहीं तो ऐसा तो कहीं नहीं है कि आपका वास्ता ही सिर्फ जो है पंजाब पुलिस के एक ही ऑफिसर से पड़ा, बाकी कभी आज तक पड़ा ही नहीं है। यानी कि मैंने KPK में पुलिस वहाँ पे कुछ शांगले में गया हूँ, वहाँ कुछ अच्छे ऑफिसर देखे। अब बात यह है कि इस कानून में एक तो तब्दीली लानी चाहिए, 156 साल पुराना गोरे ने वही गुलामी वाला कानून जहाँ पे छोड़ गया, और थानों में कोई रहम नहीं है, हर SHO जो है करप्ट है, तकरीबन 100 में से 98-97 SHO जितने भी लगते हैं वो पैसे दे के लगते हैं, फिर नीचे मारधाड़ करते हैं, और अपना थाने में ये कोई वकील चला जाए तो ये। अच्छा, आपके पास कोई ऐसा सलूशन है आपके इस पुलिस के सिस्टम को ठीक किया जाए? सलूशन इस तरह है कि ये जो 1866 के जितने कानून हैं ना, थानों में इख्तियार जितने हर थाने के अंदर जो है ना रूम के अंदर कैमरे लगाए जाएँ ऑनलाइन,
और हर SHO से लेके छोटे से छोटे कांस्टेबल की जो है ना रिकॉर्ड बकायदा SP DSP जितने IG पंजाब यानी के वज़ीर आज़म लेवल तक इनकी ना कॉल ट्रेसिंग हो रही हो, इनकी बातें, इनकी हर चीज़ सामने हो, ताकि तब ये करप्शन से बाज आएंगे, वरना ये नहीं सुधरने वाले। ये थाने में बदमाश बने बैठे होते हैं, फिर कोर्टों में आके वकीलों से लितर भी खाते हैं और बीगी बिल्ली की तरह ऐसे खड़े होते हैं जैसे इस जैसा तो अच्छा है ही कोई। ये आपको नहीं लगता कि ये लितर वाली जो गुफ्तगू है गैर मुनासिब लितर वाली इसलिए कि गुस्सा आता है, हमें गुस्सा आता है। हम देखो ना, अभी आपने कुछ पुलिस के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा कुछ गलत अल्फाज बोले हैं, मेरे प्रोग्राम के बाद अगर पुलिस आपको आड़े हाथों ले लेती है, आपके ऊपर FIR दे देती है गैर शाइस्ता ज़ुबान इस्तेमाल करने पर, तो फिर आप किस तरीके से इस सारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्रोटेक्ट करना बहुत अच्छे तरीके से आता है, यानी कि जो आपने अल्फाज बोले आप उसके ऊपर कायम हैं? मैं कायम हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने इनके खिलाफ जो इनके हैं मैंने इनको बहुत करीब से देखा है, ये इस तरह करते हैं, आवाम के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं। अगर ये मुझे आड़ो हाथे लेंगे तो मैं भी इनको बड़े अच्छे तरीके से आड़ो हाथे लूँगा। मैं फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, ठीक है ना। अगर ये लेंगे तो मैं भी इनको अच्छे देख ले। खान साहब ने भी जाके माफ़ी मांग ली है मैजिस्ट्रेट से, वो भी कहते थे मैं नहीं किसी से डरता। अल्हम्दुलिल्लाह कोई गलत काम करेंगे, किसी गरीब के साथ ज्यादती करेंगे, किसी का हक खाएंगे, फिर माफ़ी मांगेंगे, इन जैसे लुटेरों भेड़ियों से माफ़ी नहीं। बातें जो है ना ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं, ये को हम पहली दफ़ा नहीं करने लगे, लेकिन ये चैनल पे आपके पहली दफ़ा ये बातें हो रही हैं हमारी तरफ से। बाकी ये हर किसी को पता है, आवाम के पास चले जाएं, चरस ये बिकवा रहे हैं, शराब ये बिकवा रहे हैं, कोठे खाने ये चलवा रहे हैं, डकैतों को ये सपोर्ट कर रहे हैं। कौन सा ऐसा जुर्म है जो थाने में नहीं हो रहा? थाने न्यायी साहब वो जो पकड़े जाते हैं जब उनके ऊपर FIR होते हैं, जितने भी क्राइम करते हैं उनको रिहा भी तो वकील ही करवाते हैं भाई, वकील करवाते हैं। लेकिन वकील इनकी ड्यूटी है, वकीलों की भी तो ड्यूटी है ना कि उन्होंने भी अपना रिस्क माना है। अब नहीं, दो नंबर बंदे को छुड़ाकर इसको माना। अब जो बंदा डकैती की FIR झूठी दे दे उसके ऊपर हम उसकी जमानत ना करवाएं, उसको अंदर सड़ने दें। जब ये झूठे FIR जो इनको पैसे नहीं देता उसके ऊपर डकैती की FIR होती है, जो पैसे दे दे उसको तो ये सपोर्ट करते हैं, उसको तो ये पूरा जो है ना अगले घर तक तोड़ के लेके जाते हैं। वकला ने इतनी तहरीकें चलाई हैं इतने लोगों के खिलाफ, हुक्मरानों के खिलाफ, मार्शल लॉज के खिलाफ, तो पुलिस के खिलाफ आप वकला तहरीक है? हम अब चला रहे हैं, हमने शुरू कर दिया है प्रोफेशनल लॉयर्स एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से हमने ये काम शुरू कर दिया है। मैं आपके चैनल के तवस्सुल से कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस के अगेंस्ट किसी को भी कोई मसला हो तो वो हमारे से रابطہ करे, हमारे प्लेटफॉर्म से रابطہ करे। हम फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तान में किसी भी जगह पे उसका मामला होगा तो हमारी टीम जाएगी और उनको जो भी मुमकिन मदद होगी वो करेगी और पुलिस सपोर्ट करेगी। आपका कानूनी तौर पे आपका फॉरम तो ये कर रहा है, लेकिन जो सीनियर वकला हैं जिनके पुलिस के साथ बड़े गहरे मरासम हैं, तो जब वो इस चीज में इन्वॉल्व हो जाएंगे आपके अगेंस्ट ही पता लगे SP के खिलाफ आपका कोई सीनियर बार का मेंबर पेश हुआ है, तो फिर किस तरीके से जब होगा तब देखा जाएगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं और जो वकला बरादरी है वो हम बात करेंगे तो हमारे सीनियर भी हमारे साथ खड़े होंगे आगे, ये बात नहीं है कि हम करेंगे और सीनियर हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे। जिया खान न्याजी साहब ने जो अच्छे पुलिस वाले हैं उनकी भी तारीफ की, आप भी कोई अच्छे बोल बोलते हैं जो अच्छे, वो 100 में कोई एक अच्छा पुलिस वाला होगा उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं। पुलिस वालों से पूछते हो कहते हैं 100 में से एक वकील चंगा, बाकी सारी मैं बताता हूँ ना, उनकी दिहाड़ी मर जाए, वकील देखते हैं वो समझते हैं कि हमें पैसे नहीं मिलेंगे, दिहाड़ी मर जाती है, तनख्वाहें भी ले रहे हैं और दिहाड़ी लगाना भी फर्ज समझ रहे हैं। मैंने एक जमानत करवाई बेलेबल ऑफेंस में, तो पुलिस वाले ने रोप कार के होते हुए बंदे को बिठा लिया उधर। मैं थाने में गया, मैंने देखा वो बंदा नीचे बैठा हुआ, उसको मैं छुड़वा के लाया हूँ। मैं कहता ये तुमने क्यों बिठाया हुआ नीचे? जी मैंने तो नहीं बिठाया, ये खुद ही बैठा हुआ है। भाई तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अदालत की रोप कार के होते हुए तुम ये काम कर रहे हो, और कोर्ट में हमने ये बात बताई वो बिल्कुल ही इससे हाथ उठा गया। पूरे पाकिस्तान के हर सिस्टम में हर इदारे को पता है पुलिस कैसी है, अगर वो इदारे वो सिस्टम पुलिस को ठीक नहीं कर सका आप कैसे कर लेंगे? भाई हम कोशिश तो कर रहे हैं, हम काम शुरू नहीं करेंगे तो फिर ये काम कैसे होगा? जब बात ही नहीं शुरू करेंगे तो ये चीज़ कैसे हल होगी? हम इनके अगेंस्ट बात करेंगे बल्कि हम इनको ठोकेंगे। आप कह रहे हैं ना कि ये आड़े हाथों हमें लेंगे, हम इनको आड़े हाथों बड़े अच्छे तरीके से लेते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि थाने वैसे में वकीलों को फेंटी भी बड़ी लगाई है पुलिस वालों ने, तो ये वकीलों ने भी बड़ी फेंटी लगाई है इनके, ये जो है ना हाथ जोड़े होते हैं, इनकी वर्दियां फट रही होती हैं, ठीक है, और ये घोटों में जो हॉस्पिटल वाला मामला हुआ था वहां वकीलों को बहुत फेंटी लगाई। अदालत में मैं बताऊं, अदालत में अपना अब्बू मानते हैं ये वकीलों को, अपना अब्बू कहते हैं ये वकीलों को, आप मेरे बाप हैं, थाने में चले जाए उसी वकील को कुत्ते की तरह सख्त लफ्ज बोल रहे हैं भाई, सख्त लफ्ज बोलने पड़ते हैं, ये बात है। हम प्रैक्टिस में ये बात इससे तंग है हम,
ठीक है, तभी आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, तभी आपको हमने ये बात जाते जाते कोई मैसेज दे दे। मैसेज ये आया जी, पूरे पाकिस्तान में पुलिस के खिलाफ किसी का भी कोई मामला आया हो हमारे प्लेटफॉर्म से रब्ता करें, हम इंशाल्लाह हर लीगल उसको ऐड करेंगे, हर लीगल उसके साथ जो है ना खड़ेंगे। भाई साहब तुसी तो छुट जाओगे लेकिन बाद चो उन्होंने आवाम को टीच देना है, असि जड़े जड़े फड़ लेंगे ना असि उन्होंने पीछे चले जाएंगे। ठीक है, कोई नहीं। न्यायी साहब का कहना है कि जाती तौर पर उनकी किसी पुलिस वाले से कोई दावत नहीं है, जो सिस्टम है डेवलप हो चुका है, पैसा लेकर ये लोग आते हैं, फिर लोगों से रिश्वतें लेते हैं, सिस्टम को बिगाड़ पैदा करते हैं, और अगर कोई बंदा अपनी FIR फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट करवाने चला जाए तो उस बेचारे से भी पैसे लेते हैं, दूसरी पार्टी से भी पैसे लेते हैं। मैं चाहूँगा कि अगर आप लोगों को किसी से भी पुलिस से कोई भी मामला मसला दरपेश है तो सबसे पहले तो आप न्यायी साहब से रब्ता करें, और दूसरा अस्तगफार करें, आपको उधर जाना ही क्यों पड़ा है, अपने अमाल को भी ठीक करें, अपने कामों को भी ठीक करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।